हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है वो मैंने लास्ट जैसे आपको पहाड़ी स्कूल तक पढ़ाया था, एंड आज हम जो है मिनिएचर्स देखेंगे साउथ इंडिया में। ठीक है, अभी तक हमने जो मिनिएचर्स पढ़े हैं वो राजस्थान, ठीक है, पहाड़ी, मुगल के टाइम के हमने ये सब चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली है। ठीक है, सो जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में उस टाइम पर क्या क्या हो रहा था, ठीक है, किस टाइप की पेंटिंग्स बन रही थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो, एंड लेट स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो है मिनिएचर्स इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो द ट्रेंड ऑफ मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग्स वॉज ऑलरेडी प्रेवलेंट इन द साउथ इंडियन स्टेट्स एंड इट डेवलप्ड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। सो जो कि मिनिएचर पेंटिंग बनाने का जो ट्रेंड था वो ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा था, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में भी चल रहा था, तो साउथ इंडिया में भी उस टाइम पे जो है अर्ली मेडिवल पीरियड से ही मिनिएचर्स जो है बनना शुरू हो गए थे। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्कूल्स owing to the heavy use of gold in these paintings। तो ये जो है नॉर्थ इंडियन स्कूल से काफ़ी डिफरेंट हैं, उसमें जो है गोल्ड का यूज़ कम हुआ है, लेकिन ये जो साउथ इंडियन मिनिएचर्स हैं इसमें आपको हैवी यूज़ ऑफ गोल्ड दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखी होंगी तंजौर पेंटिंग्स वगैरह, सो उसमें आपने कभी उनकी प्लेटिंग देखी होगी, मतलब गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स वगैरह का यूज़ होता है, थोड़े बहुत बीड्स का यूज़ होता है, सो उस चीज़ का उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कलर्स जो हैं काफ़ी कम यूज़ होते हैं। सो Furthermore, they concentrated on painting divine creatures much more than painting the rulers who patronized them. So, इनका जो main motive होता था, यानी कि जो miniatures बनते थे South India में, वो लोग ज़्यादातर divine creatures को बनाते थे, जैसे भगवान को बनाते थे, राधा कृष्ण हो गए, ठीक है, राम सीता, इस टाइप की जो divine creatures, यानी कि जितने भी divine हम लोग जिनको भी पूजते हैं, ठीक है, उनको ये जितनी भी देवी देवता या फिर जितनी भी टाइप के, मतलब हमारे उसमें कल्चर में भगवान वगैरह हैं, सो ये लोग उनको ज़्यादातर जो है पेंटिंग्स में बनाते थे, ना कि रूलर्स, जो कि नॉर्थ इंडिया में जैसे रूलर्स अपने आप को पैटर्नाइज करते थे तो वो अपने आप के ही पोर्ट्रेट्स बनवाते थे। सो ये डिफरेंस है नॉर्थ इंडियन मिनिएचर्स में और साउथ इंडियन मिनिएचर्स में। ठीक है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर डिवाइन क्रिएचर्स को बनाया गया। सो इसके अंदर आते हैं सबसे पहले तंजौर पेंटिंग्स। ठीक है, तंजौर पेंटिंग्स जो हैं, द थांजावुर और तंजौर स्कूल इज फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। इसको हम थांजावुर भी कहते हैं एंड तंजौर स्कूल। ठीक है, ये जो स्कूल है यहाँ पर जिस टाइप की पेंटिंग्स बनती थी, ये किस लिए फेमस है, इज़ फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है, तंजौर स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट है, द मराठा रूलर्स पैटर्नाइज देम ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। सो तंजौर पेंटिंग्स को जो पैटर्नाइज किया था, ठीक है, बढ़ावा दिया था, वो दिया था मराठा रूलर्स ने 18th सेंचुरी में। ठीक है, किसने दिया था, मराठा रूलर्स ने। So these paintings are unique as they are mostly created on glass and board instead of cloth and vellum. So ये paintings जो हैं काफ़ी unique हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किस पे create की जाती हैं, glass या फिर किसी board पे create की जाती हैं, कपड़े पे नहीं create की जाती। ठीक है, so ये glass और board पे create की जाती हैं तंजौर paintings। Next है, next point, they are unique because of the use of brilliant color patterns and the liberal use of gold leaf. ये यूनिक क्यों है, मतलब नॉर्थ इंडियन मिनिएचर से यूनिक इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कलर पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड की लीफ आती है, उसको कवर करके लगाया जाता है। ठीक है, सो उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, सो इसलिए जो है ये पेंटिंग्स काफ़ी यूनिक मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, दे यूज मैनी टाइप्स ऑफ जेम स्टोन्स एंड कट ग्लासेस फॉर द एम्बेलिशमेंट्स टू क्रिएट लार्जर देन लाइफ इमेजेस। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी पिक्चर वो होती हैं पेंटिंग्स, एंड इसमें ग्लासेस का यूज़ होता है, जेम स्टोन्स का यूज़ होता है, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू, येलो, ठीक है, इस टाइप के जो जेम्स होते हैं उन स्टोन्स का ये यूज़ होता है। एंड ये जेम स्टोन्स काफ़ी रियल होते हैं, ये नहीं है कि ये नकली ज्वेलरी लगा देते हैं, नहीं, ये रियल जेम स्टोन्स का यूज़ किया जाता है, ग्लासेस का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो पेंटिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं। ठीक है, आपने ज़्यादातर देखा होगा शोरूम्स वगैरह में, जैसे आप किसी अच्छे शोरूम में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको तंजौर पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, वो लोग गॉड को, मतलब वहाँ पे लगा के रखते हैं, और उस पर आपने देखा होगा कि हैवी ज्वेलरी, पूरा का पूरा गोल्ड वर्क उसमें जो है होता है। सो ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती हैं इसलिए, क्योंकि इसमें जेम स्टोन्स, गोल्ड लीफ का यूज़ होता है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपेक्टेड स्माइलिंग कृष्णा इन वेरियस पोजेज एंड वेरियस मेजर इवेंट्स इन हिज लाइफ। ज़्यादातर पेंटिंग में कृष्णा को स्माइल करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, वेरियस अलग अलग पोजेस में दिखाया गया है, और उनके ही लाइफ से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स जो हैं इसमें दिखाए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, दीज पेंटिंग्स
रीच्ड देयर जेनिथ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सरफोजी महाराज। ठीक है, ये पेंटिंग जो है मतलब अपने हाईएस्ट पे कब थी, इनके अंडर में, सरफोजी महाराज हु वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पैटर्न थे, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर थे आर्ट के। सो ये इनके टाइम पे जो है ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई थी। करंटली दिस स्कूल इज स्टिल ऑपरेशनल बट दे हैव मूव टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये करंटली जो ये स्कूल है अभी भी चल रहा है, मतलब जैसे कि तंजौर पेंटिंग्स अभी भी बनाई जा रही हैं, लेकिन अब इन्होंने कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है, जैसे कि अब डाइवर्स सब्जेक्ट कर दिया है। पहले सिर्फ डिवाइन क्रिएचर्स थे, सो अब इन्होंने जो है बर्ड्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स इवन, इन सब चीज़ों को जो है पेंटिंग्स में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। सो आई होप आपको जो है तंजौर पेंटिंग्स क्लियर हो गई होंगी। एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये साउथ इंडियन मिनिएचर्स की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा तंजौर पेंटिंग्स, जिसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैसूर पेंटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैसूर पेंटिंग्स। सो दीज पेंटिंग्स आर पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ द मैसूर प्रोविंस एंड कंटिन्यूड इन द ब्रिटिश पीरियड टू। ये जो पेंटिंग्स हैं ये किसने पैटर्नाइज की थी, जो मैसूर के आसपास के इलाके हैं, ठीक है, प्रोविंस हैं वहाँ के, उन लोगों ने जो है उन रूलर्स ने जो है ये पैटर्नाइज की थी, और ब्रिटिश पीरियड में भी जो है ये चली थी। नेक्स्ट है इनका थीम क्या होता है, द मेजर थीम ऑफ द मैसूर पेंटिंग्स इज द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसमें जो है ज़्यादातर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में मिनिएचर जो बनते थे वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर, डिवाइन क्रिएचर्स के ऊपर बनते थे। सो यहाँ का जो मेन थीम है वो है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। नेक्स्ट है द यूनिक पार्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स इज दैट दे हैड टू और मोर फिगर्स इन ईच पेंटिंग एंड वन फिगर predominates all the others in size and color. So जो unique part है इस painting का, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें, so unique part जो है इस picture, इस example में हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ, मतलब क्या होता है कि जो दो figures हैं या फिर एक figure जो है, मतलब काफ़ी सारी figures होती है पहली बात तो, और दूसरी बात कि एक figure जो है जो main figure होती है वो dominate करती है, यानी कि सारी figures को dominate करती है साइज में भी और कलर में भी। ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है एज कम्पेयर टू बाकी की जो बैकग्राउंड फिगर्स होती हैं। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ की मैसूर पेंटिंग्स की, जो एक फिगर है उसको बड़ा साइज में दिखाया जाता है और जो बाकी की फिगर्स हैं उनको छोटे साइज में दिखाया जाता है, ताकि वो दिखा सकें कि एक फिगर, उसकी जो मेन फिगर उन्होंने बनाई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो ये याद रखना है आपने, मैसूर पेंटिंग जो है इसमें यह कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निक। द टेक्निक ऑफ मेकिंग दीज पेंटिंग्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मिनिएचर्स बनते थे उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दे यूज द जेसो पेस्ट, जो तंजौर पेंटिंग्स हैं उसमें भी जो गोल्ड प्लेटिंग की जाती है वो भी जेसो पेस्ट बनाया जाता है, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें ये जो जेसो पेस्ट है इसके ऊपर जो है, मतलब जब ये सूख जाता है, ठीक है, अभी इसमें स्टोन्स वगैरह लगा दिए जाएंगे, ये सूखने के बाद जो है इस पर गोल्ड प्लेटिंग कर दी जाती है। सो ऐसा ही मैसूर पेंटिंग्स में जैसो पेस्ट लगाया जाता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम। ठीक है, अरेबिक गम का वो मिक्सचर होता है एंड उसको अप्लाई किया जाता है कोन में भर के। ठीक है, कीप्स कोन्स बनाए जाते हैं एंड उसमें वो जैसो पेस्ट डाला जाता है, जिस जो कि मिक्सचर होता है किसका, जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का। सो उसको कोन को यूज़ किया जाता है, जैसे मेहंदी लगाते हैं ना उसी तरह से वो कोन में से जैसो पेस्ट निकलता है एंड उसको हम पूरी पेंटिंग पर जो है जहाँ जहाँ में जो जो डिज़ाइन चाहिए हम उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, एंड जब वो हार्ड हो जाता है उसी टाइम पे ही, जब वो गीला रहता है तभी हम अपने जेम्स भी लगा देते हैं, जब वो हार्ड हो जाता है तो हम उसके ऊपर क्या है, सूखने के बाद हम उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग जो है, गोल्ड लीफ जो है पेस्ट करते चले जाते हैं। सो ये जो है हमारी तंजौर पेंटिंग्स जो है इस तरह से बनती हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही ये जो टेक्निक है यही मैसूर पेंटिंग्स में भी फॉलो की जाती है। दिस गिव्स अ पर्टिकुलर बेस टू द पेंटिंग दैट डेवलप्स शीन ऑन द बैकग्राउंड। दे काउंटर इट विद द यूज ऑफ म्यूटेड कलर्स दैट आर नॉट सो ब्राइट, सो एज टू काउंटर एक्ट द बैकग्राउंड। सो ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर बेस दे देते हैं इस चीज़ से, जैसो पेस से एक पर्टिकुलर बेस दे देते हैं पेंटिंग को, ताकि जो और म्यूटेड कलर्स काफ़ी यूज़ करते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है और जो फिगर है वो थोड़ा मैच हो सके। ठीक है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ना क्रिएट हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, हमारे साउथ इंडियन मिनिएचर्स में हमारी दो तरह की ही पेंटिंग्स हैं एंड ये कम्प्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रही, नहीं तो मैं नेक्स्ट भी इसी में पढ़ा देती। सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मॉडर्न पेंटिंग्स की तरफ बढ़ेंगे एंड मॉडर्न पेंटिंग्स में हम देखेंगे कंपनी स्कूल को। ठीक है, बाजार पेंटिंग्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही एंड आपको प्लीज़ अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा
एंड कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको। ठीक है, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।